मेरा इस मूवी को देखने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मैंने इस मूवी के ऊपर काफी सारे मीम देखे जिससे मेरा मन बन गया इस मूवी को देखने का। तो आज इस वीडियो में बात करूंगा हसीन दिलरुबा मूवी के बारे में, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर मेन कास्ट में आपको नजर आएंगे हर्षवर्धन राणे, विक्रांत मैसी और सो कॉल्ड फेमिनिस्ट तापसी पन्नू। अब इस मूवी की स्टोरी के बारे में चर्चा करते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम है ऋषभ सक्सेना उर्फ ऋषु, स्टार्टिंग में उसकी मौत दिखाई जाती है। अब ट्रेलर के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाने की कोशिश की गई है कि भैया यहाँ पर एक मर्डर हुआ है, और यहाँ पर जो मर्डर हुआ है ऋषु का, उसके मर्डर की जो सुई है वो घूमती है इसी की पत्नी रानी के ऊपर। दरअसल जब दोनों की शादी हुई थी, रानी और ऋषु की, तो दोनों ही बड़े अजनबी थे एक दूसरे के लिए। जब शादी होने के बाद ऋषु एकदम बिल्कुल सिंपल सा लड़का है, मतलब वो अपने काम से काम रखता है, और उधर रानी इसके अपोजिट है यार। उसको ऐसा लड़का चाहिए था जो एडवेंचरर हो, काफी ज्यादा नोटी हो, लेकिन उसको वैसा लड़का नहीं मिलता, जिसे ये अपने आप को ऐसा सोचते कि चलो ठीक है यार ऋषु मिला है, मन मार के वो रह रही होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ऋषु के घर पे उसका भाई नील कुछ दिन के लिए रहने आता है। उस इंसान में सारी वो क्वालिटीज होती हैं जो रानी को चाहिए होती हैं, और बस फिर क्या, फिर अफेयर स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर रानी डिसाइड करती है कि ठीक है अब मैं ऋषु को छोड़ दूंगी, उसको सारी चीजें सच्चाई बता दूंगी। लेकिन सच्चाई बताने से पहले ही नील जो है वो निकल लिया, और इधर ऋषु को इन दोनों के अफेयर के बारे में जब पता चलता है, तब भाई साहब का अंदर का इंसान, मतलब कि अंदर का शैतानी रूप बाहर आता है। एविल डेविल, इविल डेविल, जो भी है वो बाहर आता है। यही इस मूवी की स्टोरी है, जो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल स्टोरी है। इसका फर्स्ट हाफ ही काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है। ये मूवी एक मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन जिसके अंदर मिस्ट्री जो है वो नाम नाम की है। मतलब आसानी से जब ये मूवी आगे प्रोग्रेस करेगी, आप आसानी से पता कर लोगे यार हाँ भाई किसने मारा है, किसको मारा है, क्यों मारा है, सारी चीजें आप लोगों को पता चल जाएंगी। आप लोग इस मूवी के अंदर फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि उसी के अंदर कॉमेडी है, काफी अच्छे डायलॉग है। सच कहूं यार जो इसके डायलॉग है वही इस मूवी को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, क्योंकि जितने मैंने मीम देखे वो इसके फर्स्ट हाफ के देखे, बहुत बढ़िया मुझे मीम लगे। मतलब जब आप ये मूवी देखोगे तब समझ जाओगे, लेकिन उसके बाद ये जो मूवी है वो खींचती हुई नजर आती है। 2 घंटे से भी ज्यादा इसकी लेंथ है, उसको कम कर सकते थे यार। और लास्ट में जैसा सोचा होता है वैसा ही होता है, क्योंकि यार जो मर्डर मिस्ट्री मूवी होती है उसके अंदर मर्डर इतना आसानी से हम आपके सामने तो रख नहीं दिया जाएगा कि हां भैया यही मर्डर है जिसके ऊपर इतना शक किया जा रहा है। असलियत में जो खूनी होता है वो उसी को छुपाने की बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है, और हमारे दिमाग यार इतनी ज्यादा मूवीज और सीरीज देख चुका होता है कि हमें पता होता है कि यार हाँ यार किसके ऊपर शक करना है। खैर मैं इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि होता है ना स्पॉइलर चला जाएगा। वैसे स्पॉइलर तो नाम नाम का ही है, पता तो आप लोगों को जो मूवी देखोगे थोड़ी देर बाद पता ही चल ही जाना है। 3 ही करेक्टर जिनके ऊपर ये मूवी घूमती रहती है, तो यार ज्यादा पजल तो वैसे भी हो गए नहीं। वैसे परफॉर्मेंस की बात करूं तो देखो यार मूवी के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो तापसी पन्नू की एक तरीके से झेलनी पड़ती है। हर्षवर्धन राणे से काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उन उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतर पाए, जो देखकर काफी ज्यादा बुरा लगा। और पर्सनली मुझे जिनकी ज्यादा परफॉर्मेंस पसंद आई है इसमें, विक्रांत मैसी सर की बहुत बढ़िया एक्टिंग मुझे लगी है। क्योंकि जैसा आपको इसको स्टार्टिंग में आप देखोगे कि भैया बिल्कुल सिंपल से बहुत ज्यादा साधारण व्यक्ति इसमें दिखाए गए हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही इनको पता चलता है कि इनकी वाइफ का अफेयर किसी और के साथ चलता है, तो भाई साहब जो इनके बिहेवियर में चेंज आता है, देखने का नजरिया एकदम चेंज हो जाता है यार, बहुत बढ़िया मुझे वहां पर लगे। और इनके अलावा बाकी कलाकारों ने भी काम अच्छा है। ओवरऑल मूवी की बात करूं तो देखो यार मर्डर मिस्ट्री के नाम पे मिस्ट्री यहां पर गायब है, एवरेज स्टोरी है, एवरेज परफॉर्मेंस है, आप इसको 1 टाइम कंसिडर कर सकते हो। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 6 out of 10 स्टार, गाली गलौज। देखो यार बच्चे इस मूवी को बिल्कुल भी ना देखें। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। तो बस आज के लिए इतना इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।